आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। केरल में एक संत हुए केशवानंद भारती। इडनीर नाम का शैव मठ है, वो उसके प्रमुख थे और केरल के शंकराचार्य कहलाए जाते थे। रविवार को कासरगोड जिले में उनका निधन हो गया। भारत के आध्यात्मिक जगत में एक उदासी छा गई। अगले ही हफ्ते उनके दिल का ऑपरेशन होना था, लेकिन तबीयत अचानक से बिगड़ती चली गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। उम्र उनकी 79 साल थी। अगर थोड़ा सा विस्तार में केशवानंद भारती का परिचय दूं तो वो कुछ इस तरह है कि 9वीं सदी के महान संत और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आदिगुरु शंकराचार्य के जो पहले चार शिष्य थे, उनमें एक थे तोतकाचार्य। उन्हीं की परंपरा में ये मठ स्थापित हुआ था, जिसके वारिस केशवानंद भारती थे। 1200 साल का इतिहास है इस मठ का। केरल कर्नाटक में बेहद प्रभुत्वशाली है। ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाली स्मार्थ भागवत परंपरा को यह मठ माना करता है। लेकिन केशवानंद भारती का परिचय सिर्फ इतना भर नहीं है। कोई यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर लॉ पढ़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है, तो हो ही नहीं सकता कि वो इस नाम से अनजान रह जाए। भारत के न्यायिक इतिहास से केशवानंद भारती का नाम निकाला ही नहीं जा सकता। 47 साल पहले एक केस उन्होंने केरल राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास बन गया। नमस्कार, मैं नितिन ठाकुर हूँ, पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूँ और आज बात करूंगा उस धर्माचार्य की जो अनजाने में ही संविधान के रक्षक हो गए। मेरे साथ पल्लवी शर्मा हैं। पल्लवी दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB हैं, लॉ की छात्रा तो हैं ही, साथ में दिल्ली में पढ़ाती भी हैं, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से डिप्लोमाधारी भी हैं। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस करती रहीं और आज हमारा ज्ञानवर्धन केशवानंद भारती केस में करने वाली हैं। मैंने पल्लवी से फोन पर बात की है और जो बात हुई वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले छोटा सा नन्हा सा ब्रेक। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, JioSaavn जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तो पल्लवी जी, जैसा कि आपने लॉ की पढ़ाई की है और अभी भी छात्रा हैं, प्रैक्टिस भी की है, तो जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कभी केशवानंद भारती का नाम आप सुनती हैं या पढ़ती हैं तो आपके जहन में क्या आता है, कौन थे केशवानंद? जी जितना मुझे इनके बारे में पता है, क्योंकि मैंने तैयारी काफी टाइम से की है, 12th से मैंने आगे पढ़ाया भी है, या बच्चों को उनके बारे में बताते हैं, तो केशवानंद भारती का आध्यात्मिक जगत में तो बहुत बड़ा नाम है। ये अद्वैत दर्शन को मानते थे और एक कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे इडनीर हिंदू मठ है, उसके मठाधीश थे जो काफी समय से थे, तो ये वहाँ पे भी है। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केरला में दो कानून आए थे लैंड रिफॉर्म को लेके, तो इन्होंने आर्टिकल 26 जो एक फंडामेंटल राइट है उसके निहित अपने अधिकारों को लेके चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो केस एक लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है हमारे लिए, तो इसलिए हमारे बहुत जरूरी हो जाता है इसको पढ़ना, इसको जानना। अच्छा, इस केस के बारे में अगर मैं पूछूं तो उसका एक जो क्रम रहा वो मुझे आप एक बार विस्तार में बता पाएं? एक्चुअली अगर आप बात करें तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं, जो मूलभूत अधिकार होते हैं, आर्टिकल 12 से 35 जो चैप्टर 3 में है, पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके लिए अगर कोई राइट इंफ्रिंज होता है, मतलब स्टेट अगर आपको कोई अधिकार से आपको वंचित करती है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो केशवानंद भारती की बात थी कि इन पे जो केरला के दो लैंड रिफॉर्म्स आए थे, मतलब जिसमें उनको कहा गया था कि आप मेंटेन नहीं कर सकते, जबकि आर्टिकल 26 में ये कहा जाता है कि कोई भी मतलब एक्सेप्शन से पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, इसको अगर देखते हुए कोई भी इंसान कोई भी रिलीजियस प्लेस को मेंटेन करने के लिए जमीन खरीद सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है, उसका रख रखाव कर सकता है ना। अगर ये चीज ना हो कि तो मतलब पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और हेल्थ पे कोई असर ना पड़ रहा, तो वो पूरी तरीके से फ्री है ये करने में।
तो जो केरला के जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे उससे इनकी उस अंकुश लगाया गया था, तो इसके तहत वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त की वामपंथी सरकार थी वो कुछ कानून लाई थी और केशवानंद भारती जो कि मठ के संचालक थे उन्हें भाई नहीं, उनको सलाह दी गई थी उस टाइम पे नानी पालकी वाला उन्होंने सलाह दी थी कि आप इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए, क्योंकि आपका आर्टिकल 26 जो है, देखिए आर्टिकल जो मूलभूत अधिकार होते हैं वो किसी भी इंसान के पूरे डेवलपमेंट के लिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक पूर्णता डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, वो हर तरीके से स्पिरिचुअल भी आता है उसमें, रिलीजियस अधिकार उसके अंडर आते हैं कि अगर आपको कोई प्लेस मेंटेन करनी हो जहाँ पे आप अपना रिलीजन प्रोपगेट कर सके, बता सके लोगों को, तो उसके लिए आपको जगह चाहिए कोई जहाँ पे आप उसको बता सके और प्रचार कर सके, तो ये इसके अगेंस्ट था जो लैंड रिफॉर्म आए थे। किस साल की बात है? 1973। अच्छा ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ये जो डिसीजन आया था, नहीं ये 68 डेज के लिए केस सुनवाई हुई थी, इसका जो डिसीजन आया था नितिन वो 24 अप्रैल 1973 को आया था जी। तो ये पूरा जो 68 दिन तक सुनवाई चली उनका क्या पक्ष था और फिर इसकी परिणति क्या रही, रिजल्ट क्या आया, और फिर वो जो कोर्ट ने कहा जिसकी वजह से उनका नाम केशवानंद भारती केस इतना प्रचारित हुआ, वो क्या है? लैंडमार्क डिसीजन है ये, वो क्या है? इसमें पहली बार तो नितिन इसमें 13 जज की बेंच बैठी थी, मतलब इसे 13 जो अभी तक की हाईएस्ट है, हाईएस्ट मतलब एक्चुअली ऑड में ही आते हैं डिसीजन, क्योंकि वो होता था ना बहुमत साबित होगा, जैसे इसमें 7-6 से आया था, मतलब 6 लोग इसके थे, इसमें केशवानंद भारती भी नहीं जीते थे लेकिन सरकार भी नहीं जीती थी देखा जाए तो। एक्चुअली इसमें एक दिया गया था, इसमें जो सीकरी थे वो मतलब इसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात की गई थी, ठीक है, उसमें कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है उसका सर्वोच्च अधिकार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, संविधान को अपने हिसाब से बदलने का, इस बात को चैलेंज किया गया था, जो इसमें माना गया था कि बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं छेड़ सकते, ठीक है, बाकी आपको करना, एक्चुअली एक आर्टिकल 368 है, क्योंकि क्या हुआ था ना जब संविधान बना था तो उस टाइम पे वहाँ के जो हमारे फोर फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये सोच लिया था कि आगे वक्त में उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो जो उनको लगा कि कुछ आर्टिकल है सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं, कुछ के लिए ज्यादा एब्सोल्यूट चाहिए, कुछ के लिए इफेक्टिव चाहिए, जैसे कहीं कहीं हमें जो राज्य सरकार है उनकी भी सहमति चाहिए होती है, ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग करके मेजोरिटी से अमेंडमेंट की बात की गई थी आर्टिकल 368 में, ठीक है। इसको लेके फर्स्ट अमेंडमेंट से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1951 में था, तभी से इसमें विवाद चल रहा था कि ये कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते, मतलब पार्लियामेंट की कितनी पावर है। ओके, अच्छा मैं दो बातें हैं, एक तो ये कि केशवानंद भारती ने ये माना कि जो केरल राज्य की सरकार है उसका लैंड रिफॉर्म दरअसल उनके मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। जी, और ये मूलभूत, वही मैं बताना चाह रही थी कि मूलभूत अधिकार उनका आर्टिकल 26 में था, ऐसे अगर मतलब आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक आपको मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, तो केशवानंद भारती में रिट दी गई है। अच्छा। हाँ, 32 में रिट दी गई है, रिट मतलब कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट से वंचित करता है स्टेट आपको, तो आप वो 5 रिट दी गई है आर्टिकल 32 में, जिसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मूलभूत अधिकार आपका आपसे स्टेट मतलब उसको वो करती है, वंचित करती है आपको, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार पेश हुई तो उसने ये कहा कि हमें अधिकार है और हम चेंज कर सकते हैं। जी, एक्चुअली क्या हुआ ना, ये पीछे से चला आ रहा है, इसको थोड़ा ट्रेस करना पड़ेगा, जैसे 1951 में था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, तो एक्चुअली आप देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फंडामेंटल राइट में एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, ठीक है, कि आप जो है लैंड अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, और किसी और का अधिकार नहीं है, जो बाद में हटा दिया गया। ये क्यों हटाया गया? लोगों का वेलफेयर देखते हैं कि सपोज करिए मैं आपसे प्रॉपर्टी लेके जो गरीब है, जो एक एक निचला वर्ग है, उसको मैं दे दूं, है ना, मतलब एक, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था, कि आप थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो जो जमींदारी व्यवस्था वगैरह थी उसमें वो लैंड अपने पास रख लेते तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था उधार के बदले या मतलब कर्ज के बदले, तो उसको करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि एब्सोल्यूट पावर सरकार अपने हाथों में लेने की कोशिश करने लगी, मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है जो है सरकार है इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो अगर आप देखें 24th अमेंडमेंट था 1971 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी,
तो उन्होंने ये कर दिया था कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास कर सकती है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल को वो अपने हिसाब से बदल सकती है और प्रेसिडेंट को उसको साइन करना ही पड़ेगा। ये 1971 का था। जी जी जी, इसमें अमेंडमेंट आया था, इसको भी चैलेंज किया गया था। मतलब यही था कि अगर हम उसको एब्सोल्यूट अधिकार दे रहे हैं सरकार को कि वो अपने हिसाब से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल बदल सकती है, ये उन्होंने कह दिया था, अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, तो एक खींचतान है बेसिकली। जी जी जी, आप ये देखेंगे 1961 में एक केस है, शंकरी प्रसाद केस है, उसके बाद सज्जन सिंह है, उसके बाद गोलकनाथ केस है। गोलकनाथ केस में कहा गया था कि नहीं, पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर सकती है। अच्छा। तो ये चलता रहा, मतलब बॉल जैसे ना, इस कोर्ट से इस कोर्ट, इस कोर्ट से उस कोर्ट, 1973 तक, जब तक कि केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, फिर क्या हुआ, फिर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम आज ये मानते हैं कि इस मामले का पटाक्षेप हो गया है, अब ये खींचता नहीं है। उसमें ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स चेंज कर सके, लेकिन वो बेसिक फीचर, एक मूलभूत जो ढांचा है उसको नहीं छू सकती है। ठीक है, ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये 7-6 से आया था। 7 मतलब 7 लोग इस बात को माने कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। आप जो है सरकार, जो इलेक्टेड सरकार है, भले ही वो इलेक्टेड है, भले ही वो मेजोरिटी उससे आई है, फिर भी उसके पास ये अधिकार नहीं है, क्योंकि कुछ फोर फादर्स ने कुछ सोच के ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आपको पता होगा 2 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ड्राफ्ट करने में, है ना। तो इतना उससे मीटिंग्स चली, एक एक चीज को इतना अच्छे से सोचा गया, तो वो कुछ सोच के ही बनाया होगा। तो बेसिक फीचर को ना छुए, उसके अलावा वो कुछ भी अमेंड कर सकती है। अब जो बेसिक फीचर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, उसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दी गई, ना उस केस के दौरान दी गई, वो भी नहीं दी गई कि मूलभूत क्या है। मूलभूत छोड़ दीजिए आगे के केसेस के लिए, आगे के पीठों के लिए। अच्छा। कि आप बताइए कि कोई भी जैसे केस है, सपोज करिए आज कोई केस होता है, तो उसमें जैसे मानते हैं कोई जुडिशरी को लेके केस हुआ, ठीक है, कि जुडिशरी कोई ये काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो वो आगे की पीठ पे छोड़ दिया, क्या ये बेसिक फीचर है कि नहीं है। जैसे गणतंत्र होना, सेक्युलर होना, मतलब ये जो जितनी फीचर्स है, ये बेसिक फीचर है कि नहीं, ये आगे आगे जितने केसेस होंगे उस पे वो निर्भर होगा। मतलब तो बेसिकली ये ताकत इस पे हम बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये ताकत सरकार के अगेंस्ट है, अदालतों के पास चली गई ये ताकत। जी, वो मूलभूत ढांचे के दायरे में किन बातों को माने, और जिन बातों को माने उनको परिवर्तित ना करने से रोका जाए सरकार को, वो रोक देगी, क्या भाई तो मूलभूत ढांचा है। जी जी, जैसे मिनर्वा मिल केस है 1980 में, ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी, कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में एक बैलेंस बनाना मूलभूत ढांचा है। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी क्या कहता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या कहता है कि सरकार को वेलफेयर के लिए ये करना चाहिए। ठीक है, जबकि फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल को अधिकार देता है, जैसे उसने मुझे अधिकार दिया कि मैं ये काम कर सकती हूँ जो हो सकता है एक लार्जर स्केल पे वेलफेयर के अगेंस्ट हो। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि ठीक है, वो बेसिक फीचर को रखते हुए फिर किसी केस पे अपना निष्कर्ष दे, अपना कोई जजमेंट दे। ये मिनर्वा ने 1980 में दे रखा था, और जैसे इलेक्शन की देखा जाए तो क्योटो केस आया था, उसमें दिया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें, तो वो बात बात में दिया। तो ये भी फिर उसी में आया। मैं पूछ रहा हूँ कि मूलभूत ढांचे में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है, है ना। जी बिल्कुल। और हम ये भी सुनते रहे हैं कि संविधान को इंटरप्रेट करने का एकमात्र अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख भी रहे हैं आजकल। जी हाँ, तो ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे अभी हाँ मतलब जुड़ी हुई, जैसे अभी मैं आपको एक रिसेंटली एक क्वेश्चन आया यूपीएससी में, क्योंकि आपने यूपीएससी का नाम लिया, पिछले साल एक क्वेश्चन या पिछले साल था कि राइट टू मैरी ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ये है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट क्या किस केस को किस तरीके से इंटरप्रेट करती है, वो कैसे आपको फंडामेंटल राइट देती है, वो बेसिक फीचर में आता है कि नहीं आता, ये सब सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल केस की जो लीगेसी है या जो लर्निंग है वो ये है कि
भारत की सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर हो, कितने भी बड़े बहुमत में हो, वो संविधान को परिवर्तित कर तो सकती है लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को बदल नहीं सकती। ठीक उस तरह जैसे मैं अपने घर में रंग रोगन करा लूं, साफ सफाई करा लूं, एक आध कमरा इधर उधर बनवा लूं, लेकिन जो मूल नक्शा था, जो मूल ढांचा था घर का, वो अपरिवर्तनशील है, वो नहीं हो सकता, वो नहीं बदल सकता। अब ये मूलभूत क्या है ये सुप्रीम कोर्ट को देखिए, ये मेरे दादाजी बताएंगे या मेरे पिताजी बताएंगे कि भाई ये मूलभूत बात है। ये है, वो केस टू केस निर्भर होगा। जैसे आप ये नहीं कह सकते नितिन जाके कि अच्छा इसमें ऐसा हुआ था तो इसमें भी ऐसा होगा। देखिए समय भी बदलता है तो उसके अनुसार चीजें होती हैं। अब नितिन इसमें क्रिटिसिज्म भी है, जैसे इसमें जो एक बहुत बड़ा बोला जाता है कि ये गैर प्रजातांत्रिक है, मतलब चूंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब यहाँ के लोगों ने उसको चूज करके भेजा है ना, तो अगर सरकार वो नहीं कर सकती, सरकार समय को देखते हुए कुछ चेंज करना चाह रही है, हाँ हाँ, तो ये उसके अगेंस्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बोला, अगर लेकिन सरकार को ही दे दे तो फिर वो सरकार निरंकुश हो जाएगी। तो ये जो उसका समर्थन देते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये सरकार को एक वो चेक एंड बैलेंसेस की थ्योरी है एक्चुअली, तो वो है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई है। अच्छा, लेकिन संविधान रक्षक के तौर पे केशवानंद भारती को जाना गया, जबकि सच तो ये है कि वो तो अपना केस खुद हार गए। जी जी, ये मैं खुद ही बहुत ज्यादा, मतलब जब हम लोग भी पढ़ते हैं, ये यूजली ऐसा होता है ना कि हमको लगता है अच्छा केस ये आया तो अंतिम में ये हुआ कि वही जीत गए होंगे, वो खुद भी नहीं जीते। मतलब वो जो भी उनका लैंड डिस्प्यूट था तो उसको लेके वो नहीं करता है, लेकिन इससे जो ये जो केस का जो डिसीजन निकला ये लैंडमार्क है और ये हर किसी के लिए जरूरी है। फॉर दैट मैटर आपने यूपीएससी का नाम लिया, स्टेट केसेस, एसएससी वगैरह जो छोटे से छोटे एग्जाम होते हैं उसमें भी केस, उसमें तो डेट भी पूछ लेता है कि कब डिसीजन आया था। ओ, ये इतना इम्पोर्टेंट है ये केस, मतलब अगर आप इसको सुन रहा हो मैं बता दूं कि मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 चली, 703 पन्नों में इसका फैसला सुनाया गया। तो मैं एकदम एक्यूरेट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कहा एग्जाम में आता है, और इसमें सीकरी हेड थे, और तो वो मतलब वो आई मीन चीफ जस्टिस थे, एसएम सीकरी। हाँ हाँ जी, एसएम सीकरी, जी जी बिल्कुल। 68 दिन चला। और एक खास बात ये भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस फैसले के बाद ये हुआ कि कई विदेशी संवैधानिक अदालतों ने भी इससे प्रेरणा ली और कई विदेशी अदालतों में इस ऐतिहासिक केस का हवाला दिया गया। और एक जगह पढ़ा कि केशवानंद के फैसले के 16 साल बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अनवर हुसैन चौधरी बनाम बांग्लादेश में मूल संरचना सिद्धांत को मान्यता दी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब देखिए कितना बड़ा है केस, मतलब आप खुद ही बता रहे हैं इस चीज को कि ये यहाँ ही नहीं, देश को ही आके जगह भी दिशा निर्देश दे रहा है कि अच्छा कैसे एक देश में कानून व्यवस्था होनी चाहिए और इंडिविजुअल के क्या क्या राइट्स हैं, मतलब क्या क्या उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और क्या सरकार कर सकती है, क्या सरकार नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी, आप हमसे जुड़ी और इतने विस्तार में इसको समझाया कि केशवानंद भारती जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी भूमिका इस केस में क्या थी और उन्हीं के कारण वंस एंड फॉर ऑल ये डिस्प्यूट खत्म हुआ, वरना खींचतान का एक लंबा इतिहास बना रहा कि संसद के अधिकार कितने दूर तक हैं और कहां वो जो है बंधे हुए हैं संसद के हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस तरह ना वकील थे और ना जज थे केशवानंद भारती, लेकिन कानून की किताबों में अमर हो गए। अपने मठ की जमीन बचाने के लिए 32 साल की उम्र में केरल की नंबूद्रीपाद सरकार से जा भिड़े। उस जमीन पर कई स्कूल कॉलेज चलते थे। सरकार की चाहत ये थी कि आर्थिक गैर बराबरी कम करने के लिए इन जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। जाते जाते एक दिलचस्प बात और बताया जाता हूँ। केशवानंद भारती हाईकोर्ट में इस केस को ले गए थे, फिर हारकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कानूनी मार्गदर्शन कर रहे थे मशहूर वकील नानी पालकीवाला, जिनका जिक्र हमने बातचीत में भी किया है। कमाल यह है कि फैसला आने से पहले केशवानंद भारती और पालकीवाला की मुलाकात कभी हुई ही नहीं। बताया जाता है कि केशवानंद भारती तो अपने मठ की समस्या लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था, कोई अंदाजा नहीं था कि इससे भारतीय लोकतंत्र की उस समस्या पर नए ढंग से विचार होगा जो संविधान बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी। वो भले अपना मुकदमा हार गए, लेकिन उनके मुकदमे के बहाने संविधान हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। तो यह था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा जरूर बताइएगा। radio@aajtak.com पर
हमसे आप टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, वहां भी अपनी राय रख सकते हैं। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, फिर मिलेंगे। आप आज तक रेडियो कान लगाकर सुनते रहिए। नमस्कार।